हेलो एवरीवन माय नेम इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग नोट्स तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एंगल्स की उसके ऊपर कितने एम आने वाले हैं क्या एम होंगे कैसे होंगे तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईसी इंजिनस के बारे में तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे वो एंगल के बारे में रहेंगे कि कौन से एंगल पर क्या होता ओके सो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन इन फोर्स्ट स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजिन द इनलेट वॉल तो इसका आंसर रहेगा बी ओपन एट ट्वेंटी डिग्री बिफोर टॉप डेट सेंटर एंड क्लोजेस एट फोर्टी डिग्री आफ्टर बॉटम डेट सेंटर ओके सो नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन अ फोर स्ट्रोक साइकल पेट्रोल इंजिन द कंप्रेशन तो इसका आंसर क्या आएगा ए ओके सो ए में क्या है स्टार्ट एट फोर्टी डिग्री आफ्टर बॉटम डेट सेंटर एंड एंड एट थर्टी डिग्री both before top dead center okay now going on next question number 17 in a four stroke cycle petrol engine the charge is ignited at so answer is a 30 degree before top dead center okay now going on next question in a four stroke cycle petrol engine the expansion start at 30 degree before top dead center and in at 50 degree before बॉटम डेट सेंटर तो इसका आंसर है बी एटीन का बी गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द एग्जॉस्ट वॉल इन फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजिन ओपन एट फिफ्टी डिग्री बिफोर बॉटम डेट सेंटर एंड क्लोजेस एट फिफ्टीन डिग्री आफ्टर टॉप डेट सेंटर तो इसका आंसर है ए ओके नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी द इनलेट वॉल ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबन इंजिन रिमेन्स ओपन फॉर टू थर्टी डिग्री ओके सो इसका बीस का आंसर है ट्वेंटी का आंसर है सी ओके नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन इन अ पेट्रोल इंजिन द चार्ज इज यगनाइटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क प्लग ओके तो इसका आंसर है ए यस ओके नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल इंजिन द मिनिमम टेम्परेचर इन साइड द इंजिन सिलेंडर ऑकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक तो इसका आंसर है ए ओके नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो इज केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वेट बाय वॉल्यूम उसके बाद में है एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो फॉर मैक्सिमम एफिशंसी और और लास्ट में है नन ऑफ दी अबव तो इसका आंसर है केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम ओके तो उसका आंसर है बी नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ऑफ अ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन द इनलेट वॉल ओपन एंड द चार्ज इज सक इन टू द सिलेंडर एज द पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द टॉप बॉटम सेंटर तो इसका आंसर है फॉल्स ओके सो ट्वेंटी फोर का आंसर है बी गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग आइडलिंग अ पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स ब्लैंक मिक्सचर तो लीन रिच और केमिकली करेक्ट तो इसका आंसर है रिच ओके सो गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन अ पेट्रोल इंजिन द फ्यूअल सप्लाइड टू द इंजन सिलेंडर इज मिक्स विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर एंड द मिक्सचर इज इग्नाइटेड विद अ स्पार्क प्लग ओके स्पार्क प्लग की वजह से वहाँ पर इग्नाइट होगा तो क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स का आंसर है सी नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजिन द चार्ज इज कॉम्प्रेस वेन बोथ द वॉल्स दैट इज इनलेट वॉल एंड एग्जिट वॉल आर क्लोज तो उसका आंसर है एग्री राइट सो so, ये जो है ये राइट है नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द प्रेशर इन साइड द सिलेंडर इज बिलो अबो और इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक तो उसका आंसर है अबो ओके द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज अबो द एटमोस्फेयरिक प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक ओके सो आई होप ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आईसी इंजिंस के और क्वेश्चन और आई होप आपको जो भी मैं एम बनाता हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू